वीडियो स्टार्ट करने से पहले ब्यूटीज़ में यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे नीस एंड नेफ्यू ने अपना एक चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है पुलू एंड पुचू की जोड़ी। ये जो चैनल है वो स्पेशली फॉर किड्स है। यहाँ पे आपको बहुत सारी मोरल स्टोरीज़, डिफरेंट तरीके की क्रिएटिविटी मिल जाती है। ये चैनल बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप एक बार प्लीज़ चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। एंड यस, इसे शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हे ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि मैं आपको मेरा स्किन केयर, मेकअप या जो जो स्टफ़ मैं अपने ड्रेसिंग टेबल में रखती हूँ वो सब दिखाने वाली हूँ। इस वीडियो की जो रिक्वेस्ट है वो आप में से ही एक ने की थी, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दूंगी कि किसने किया था। तो मैंने सोचा ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, मुझे ज़रूर आपको शो करना चाहिए कि मेरे पास आखिर कौन कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स हैं। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको पहले ही बता दूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यूट्यूबर हूँ तो मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं केवल उतने ही प्रोडक्ट्स रखती हूँ जितनों का मुझे काम होता है या जितने मैं यूज़ कर पाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेले रहती हूँ। तो बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स या फिर स्किन केयर प्रोडक्ट्स को खरीद कर फिर उसे वेस्ट करना, मुझे लगता है कि ऑब्वियसली वो पैसों का वेस्टेज है। तो इसीलिए मैं उतने ही प्रोडक्ट्स खरीदती हूँ जितना मुझे यूज़ होता है। अगर वो ख़त्म हो जाता है देन उसे मैं रीपर्चेज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे यूज़ प्रोडक्ट्स नहीं है, चाहे वो स्किन केयर के हो या मेकअप के हो, बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट्स हैं। बट उसको मैंने किस तरीके से मेरे ड्रेसिंग में अरेंज किया हुआ है ये सब मैं आपसे यहाँ शेयर करने वाली हूँ। और आपको आज का मेरा ये लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फिर चलिए चलते हैं मेरे ड्रेसिंग टेबल की तरफ। ओके ब्यूटीज़, तो ये है मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है उसका फ्रंट सेक्शन। ये मैंने अलग से कोई ड्रेसिंग टेबल बाय नहीं किया है, ये जो दो अलमीरा के साथ एक ड्रेसिंग टेबल आता है सेंटर में, ये मैंने उसी ड्रेसिंग टेबल को लिया है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो हमारी जगह है वो थोड़ी कम लेता है एंड अच्छा भी लगता है लुक वाइज। तो बाहर से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ पे बस मैंने एक टेडी को हैंग किया हुआ है, और उसके अलावा अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे है सिर्फ दो तीन चीज़ें जिसको मैं डेली यूज़ करती हूँ। ये सारी वही चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं दो तीन कॉम्ब है ये, जो कि मैक्सिमम मैं यूज़ करती हूँ। देन ये मेरी बिंदी, अगर आप लोग मुझे जानते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, देन यू नो कि मैं मैरिड हूँ, तो बिंदी ऑब्वियसली मुझे रखना ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट उसके बाद है यहाँ पे मेरी डेली क्रीम, जो कि मैं यूज़ करती हूँ डेली जब भी मैं फेस को वॉश करती हूँ। उसके बाद इस सेक्शन में है ये मेरा सैरम, जो कि प्लम का है, देख सकते हैं ये प्लम का सैरम है, इसको भी मैं डेली यूज़ करती हूँ, तो इसको भी मैं बाहर ही रखती हूँ। उसके बाद यहाँ पे है मेरा सिंदूर, ऑब्वियसली मुझे डेली सिंदूर लगाना होता है, तो सिंदूर को भी मैं बाहर रखती हूँ। और उसके अलावा मेरा लिप बाम, बाहर के सेक्शन में बस मैं इतनी ही चीज़ें रखती हूँ। तो अब करते हैं इसको ओपन। ओके, तो ये है मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है उसका ओवरऑल लुक। नीचे भी यहाँ पे दो वार्डरोब है जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले सेक्शन के साथ। तो यहाँ पे जो आप ये दो बॉक्सेस देख रहे हैं इसमें मैं मेरे इयररिंग्स रखती हूँ, एंड ये जो फ्रंट के दो बॉक्सेस हैं इसमें भी मैं मेरे इयररिंग्स रखती हूँ। ये ग्लैमिगो का बॉक्स है, और ये बॉक्स मुझे, मैंने कोई इयररिंग खरीदा था उसके साथ मुझे मिला था। तो इस बॉक्स में भी मैं मेरे इयररिंग्स रखती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं इयररिंग्स आपको ओपन करके तो नहीं दिखाऊंगी। उसके बाद जो ये आप पीछे बॉक्स देख रहे हैं इसमें मेरे स्ट्रेटनर और कलर है, दोनों को मैंने एक ही बॉक्स में रखा हुआ है, क्योंकि अगर अलग अलग बॉक्स रखूंगी तो आई थिंक बॉक्स कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, तो इसीलिए इसको एक ही बॉक्स में मैंने दोनों को यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद एक और ये वॉच का बॉक्स है, इसको भी मैं यहीं पर रखती हूँ। और फिर ये मेरी कुछ चूड़ियाँ, वैसे मैं चूड़ी ज़्यादा नहीं पहनती, फिर भी मैं थोड़ी बहुत चूड़ी तो ऑब्वियसली रखती हूँ, तो ये कुछ चूड़ियाँ हैं जो यहाँ पे हैं, बाकी मैंने इधर उधर रखी हुई है। उसके बाद ये सारे मेरे नेल पेंट के सेक्शन हैं, यहाँ पे अलग अलग कलर के आपको नेल पेंट्स दिख जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं, और थिनर भी यहाँ पे मैं रखती हूँ, जो कि मैंने आपको शो भी किया था कि इसको मैं दो तीन रखती हूँ, क्योंकि नेल पेंट्स को लगाने में निकालने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही सामान है, ज़्यादा भीड़ मुझे पसंद नहीं है, तो मैं बहुत ही क्लीन वे में रखती हूँ, इतना ही सामान है। अब इसके नीचे आप जो सेक्शन देख रहे हैं इसमें मेरे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर मैं आपको मेरे सारे प्रोडक्ट्स, ये बास्केट मैंने ख़रीदा था आई थिंक फ्रॉम, मैंने शायद किसी मॉल से ख़रीदा, आई डोंट रिमेम्बर, इस तरीके के तीन बास्केट मिल जाते हैं, तीनों को मैंने यहाँ यूज़ किया हुआ है, मैं आपको दिखाऊँगी कैसे यूज़ किया है। तो फर्स्ट वाले बास्केट में मैंने
काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि ये मेरा सेरम है, देन ये रोज़ वाटर है, और ये भी रोज़ वाटर है, ये है हिमालय का वॉलनट स्क्रब, ये है एलोवेरा जेल, देन ये है टेल्किम पाउडर, और मतलब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। ये है मेरा ड्राई शैम्पू जो कि बहुत बार मुझे यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद है ये सौंदर्य का मुल्तानी मिट्टी का फेस स्क्रब, देन ये हिमालय का फेस स्क्रब फेस पैक सॉरी, देन ये है कोकोनट ऑयल। इस बॉक्स में सब कुछ वही सारी चीज़ें जो छोटी छोटी अगर आप इधर उधर रखें तो बिखरने का डर रहता है, तो सब कुछ मैंने इस बॉक्स में रखा हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेलर वाटर जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इस तरीके से इस वाले सेक्शन को मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे कि पहले ही मैंने बोल दिया है मेरे पास लॉट्स ऑफ स्किन केयर तो नहीं है, बट हाँ जितने की मुझे ज़रूरत होती है मैं केवल उतना ही रखती हूँ। तो ये दोनों सेक्शन ख़त्म हो चुके, अब चलते हैं थर्ड सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे है मेरा ओवरऑल मेकअप जो कि मैंने बताया कि मैंने तीन बास्केट लिया था, तो तीन में से एक बास्केट ये है जिसमें मैंने अपना पूरा मेकअप रखा हुआ है, सब कुछ इसी में है। मैं ज़्यादा मेकअप मैंने अब तक बाय नहीं किया है, तो मेकअप में मैं आपको ओवरऑल मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊँगी। नॉर्मल चीज़ें हैं मेरे पास यहाँ पे, मेरे पास ये दो आईलैशेस ग्लू हैं, उसके बाद है ये मेरे पास आईलैशेस, देन यहाँ पे सारे जो भी मेरे आई शेडो पैलेट है सबको मैंने अरेंज किया हुआ है। यहाँ पे सारे मैंने कॉम्पैक्ट को अरेंज किया हुआ है, देन इसके बाद यहाँ पे कॉम्पैक्ट, यहाँ पे मेरे बीबी क्रीम, फाउंडेशन, सीसी क्रीम सबको अरेंज किया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ पे मैंने सारे लिपस्टिक और काजल को अरेंज किया हुआ है, जैसे कि आप आई होप आपको दिख रहा होगा, सब कुछ मैंने ज़्यादा अच्छे से फ़िलहाल अरेंज नहीं किया है, नॉर्मली है सब कुछ। और यहाँ पे भी मेरी लिपस्टिक्स एंड काजल है, लिपस्टिक एंड काजल को मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, बाकी जो मेरे फाउंडेशंस वगैरह हैं और कंसीलर वगैरह है उसको हमेशा मैं इस तरीके से ऐसे रखती हूँ। और यहाँ पे सारे मेरे लिपस्टिक्स हैं, तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि उतना कुछ खास नहीं है, तो इसको मैं ऐसे रखती हूँ। जब जब मुझे लगता है कि मुझे मेकअप करना है तो मैं इस पूरे बॉक्स को यहाँ से हटाती हूँ, मैं अपने शूट में लेके जाती हूँ एंड शूट स्टार्ट। तो जो भी मुझे लेना होता है मैं डायरेक्टली इससे लेती हूँ, एंड इस तरीके से मैंने ये थर्ड वाले रैक को अरेंज किया है। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ रैक पे। फोर्थ रैक है उसमें मेरे मतलब वैसी चीज़ें जिनको मैं मिनिमम यूज़ करती हूँ, आप कह सकते हैं ना के बराबर। ये वाला जो बास्केट है इसमें मैंने अपना सारा हेयर टूल रखा हुआ है जो जो यूज़ करती हूँ, जैसे जूड़ा पेन, टिक टैक पेन या रबर्स हो गए, या जो जो मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में सब कुछ मैं इसमें अरेंज करके रखती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लावर्स हैं जिसको मैंने ख़रीदा था, सब कुछ इसी में है। देन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, आप देख सकते हैं, जैसे कि हाँ एक और यहाँ पे बास्केट है, ये बास्केट जिसमें है मेरे सारे मेकअप ब्रशेस, यहाँ पे मेकअप ब्रशेस भी हैं और ये ब्यूटी ब्लेंडर भी है जो कि अभी थोड़ा सा गंदा हुआ है, और यहाँ पे मूव वगैरह ऑब्वियसली ये चीज़ें भी होती हैं हमारी लाइफ में। ये बस यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, सारी मतलब वही चीज़ें हैं जो कि मैंने बताया कि मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। ऊपर से आपने मेरे ये चारों रैक देख लिए, फर्स्ट में है मेरे सारे इयररिंग्स या फिर नेल पेंट्स, देन है मेरे पास मेरा स्किन केयर, देन यहाँ पे आ जाता है मेरा मेकअप, उसके बाद है यहाँ पे बस वो चीज़ें जिसको मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। अब आ जाते हैं नीचे के दो वार्डरोब में कि आखिर इन दोनों वार्डरोब में क्या है। इनमें भी बहुत कम चीज़ें हैं, मेरी लाइट जो है वो ओके। तो सबसे पहले ये जो दो बॉक्सेस हैं इसमें मेरे पास चूड़ियाँ हैं, नॉर्मल चूड़ियाँ जो प्लेन होती हैं मतलब कभी कभार पहनने के लिए, हाँ ये बहुत ही मतलब जिनको मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ वो सारी चूड़ियाँ हैं। तो इन दोनों बॉक्सेस में मैंने उन चूड़ियों को अरेंज करके रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये सब जो है वो बिंदी है, मतलब बिंदी मैं बहुत कम लगाती हूँ आज, बट मैंने लगाई हुई है तो ये सारी जो है वो बिंदी है। उसके बाद यहाँ पे सारे मेरे स्पेक्स हैं, मैं स्पेक्स पहनती हूँ या गॉगल्स जो भी, वो सब मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे उसके बाद ये मेरे जो हेयर बैंड है इसको मैंने रखा हुआ है, तो ये सारे हेयर बैंड हैं। उसके बाद ये है कॉटन पैड्स, क्योंकि मेकअप को रिमूव करने के लिए ऑब्वियसली कॉटन पैड चाहिए होता है। देन ये मेरा वॉच है उसका बॉक्स है, और इंची टेप क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे बहुत पड़ती है मेरे कपड़ों को मतलब देखने के लिए कि वो सही है या नहीं, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही खाली
इसको मैंने रखा हुआ है, कब क्या ज़रूरत पड़ जाए और रखना पड़ जाए, तो ये पोर्शन इस तरीके का है। तो इसके बाद चलते हैं वाले वार्डरोब में, जो कि बहुत ही आपको अजीब अजीब चीज़ें दिखेंगी। सबसे पहले ये मेरी सिंदूर की डिब्बी है। हमारे यहाँ शादी होती है तो एक सिंदूर की डिब्बी होती है जिसे हमेशा हमें अपने साथ रखना होता है, तो ये वो डिब्बी है जिसको मैं नीचे अरेंज, ताकि मैं इसको बार बार टच ना करूँ क्योंकि फिर गिरने विरने का डर रहता है। देन ये सोप्स, ऑब्वियसली कपड़े धुलते हैं घर में तो सोप्स हैं, और ये स्क्रब करने के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है, इसको मैं रखती हूँ। और ये सब सिंदूर वगैरह है, जो भी पूजा वगैरह होती है और मुझे मिलता है, तो इन सबको अच्छे से रखने के लिए मैं इस वार्डरोब को यूज़ करती हूँ। और ये आलता है, इसका भी यूज़ होता है मेरे पास। देन ये मेरे हेयर कलर्स हैं, आपने आई होप वो वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने इसको यूज़ करके मेरे हेयर को कर्ल किया है, बहुत ही बेस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये ब्रशेस हैं, देन ये फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए रेज़र आता है टिंकल, इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था। उसके बाद ये हेयर वगैरह पे मेहंदी अगर लगाते हैं उसके लिए ब्रश, या फिर कोई पैक लगा रहे हैं। देन ये कॉटन पैड्स, क्योंकि उतने से कॉटन पैड से काम तो चलने वाला नहीं है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना होता है। उसके बाद ये ऑब्वियसली बाथिंग के लिए होता है। ये सारी बस इतनी चीज़ें हैं, बहुत ही मिनिमम। तो बस फ्रेंड्स, इतनी सी ही चीज़ें थी मेरे ड्रेसिंग टेबल में आपको दिखाने के लिए। और मेन एक्चुअली इस वीडियो का मकसद ये था कि मैं कैसे अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में रखती हूँ, ताकि मुझे बहुत ही ईजिली मिल भी जाए सब चीज़ें और अच्छी तरीके से वो रखी भी रहे। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरा ड्रेसिंग टेबल का जो टूर है ज़रूर पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी डेली लाइफ के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम जो हैंडल है उसका नेम है टिप्स टू टॉप बाय शालिनी, एक बार आप सर्च ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।